तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ चेतन पटेल एंड आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है लर्न बाय चेतन पर। आज मैं लेके आया हूँ लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 54। तो दोस्तों, इससे पहले हम 53 पार्ट कवर कर चुके हैं और वहाँ पर हमने बहुत ही तगड़े तगड़े लॉजिकल प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन किए। देखो, हमने क्वेश्चन को पाइथन में, जावा में, सी में, हर एक लैंग्वेज में सोल्व किया है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। देन हम सिस्टम में जाके क्या करते हैं, सी में, पाइथन में, जावा में, हर लैंग्वेज में इसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो इससे पहले हमने ऑपरेटर के क्वेश्चन बहुत सारे किए, इफ एल्स के क्वेश्चन किए, स्विच केस के किए, हमने फॉर लूप के भी क्वेश्चन किए, व्हाइल लूप के भी क्वेश्चन किए। और आज हम देख रहे हैं वीडियो नंबर 54 में क्या हमारा नया क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन आज का क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट ऑफ गिवन नंबर यूजिंग वैल्यू। मुझे क्या प्रिंट करना है, इनपुट में जो कोई सा भी नंबर मिलेगा तो उसके इंडिविजुअल डिजिट का सम प्रिंट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट ऑफ गिवन नंबर यूजिंग वैल्यू। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर इनपुट में आपको इनपुट में आपको क्या मिला, 3, 4, 5 मिला एज ए इनपुट, तो आपको आउटपुट में क्या डिस्प्ले करवाना है आपके प्रोग्राम द्वारा, आपको आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है क्या, 5, 4, 9, 9, 3, 12, मीन्स 3 + 4 + 5 का आंसर। अगर आपको इनपुट मिला क्या, 12 मिला, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, इंडिविजुअल डिजिट का सम, तो 2 और 1, 3। अब देखो, इनपुट में कोई सी भी डिजिट आ सकती है। मैं आपको ऐसा लॉजिक बताऊंगा कि इनपुट में आप थ्री डिजिट नंबर दीजिए, थ्री डिजिट नंबर यानी 1, 2, 3 डिजिट। आप 2 डिजिट नंबर दीजिए तो आपको आउटपुट में क्या चाहिए, इंडिविजुअल डिजिट का सम। अगर आपने दिया 2, 3, 4 तो आउटपुट में क्या आएगा, 4, 3, 7 और 2, 9। अगर आपने इनपुट में दिया 1, 2, 4, 5, दैट इज 4 डिजिट नंबर, कुछ भी दीजिए इनपुट में आप, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, इंडिविजुअल डिजिट का सम। इंडिविजुअल यानी 5, 4, 9, 9 और 10, 11 और 1, 12। तो आप समझ गए होगा हम क्या करने वाले हैं आज। भाई, इनपुट में हमें कोई सा भी एक नंबर मिलेगा, 2 डिजिट नंबर हो सकता है, 3 डिजिट नंबर हो सकता है, 4 डिजिट हो सकता है, 5 डिजिट हो सकता है, 6, 7, 8, 9, कितने भी डिजिट का नंबर हो सकता है। हम एक लॉजिक लिखेंगे, एक कंसेप्ट लिखेंगे, जिसको हम सी में, पाइथन में, जावा में, सब में इंप्लीमेंट करेंगे। और वो क्या करेगा, आप इनपुट में जब ये नंबर से दोगे तो आउटपुट में हमें क्या देगा, इंडिविजुअल डिजिट का सम, दैट इज आउटपुट। और ये क्या रहेगा मेरा इनपुट, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ठीक है। और ये क्या आ रहा है हमारे, अगर इनपुट ये हो तो आउटपुट ये आना चाहिए, इंडिविजुअल डिजिट का सम, 5, 4, 9, 3, 12, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, अब हम इसका क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। तो देखो दोस्तों, मैं पहले सॉल्यूशन लिखूंगा, ठीक है, बोलते बोलते लिखूंगा, लेकिन आपको पूरी तरह बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और ये लॉजिक मैं बोल रहा हूँ, लगभग यहाँ पे जो हम कंसेप्ट समझने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल डिजिट को क्या करेंगे, विजिट करेंगे। एक एक डिजिट को हम क्या करेंगे, कोई सा भी इनपुट में नंबर आया तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर ऐसा कुछ कंसेप्ट यूज करेंगे जो आपको हर एक प्रोग्राम में यूज किया जाएगा। मीन्स आपके लगभग लॉजिकल प्रोग्राम क्वेश्चन 20 से 30% में ये लॉजिक कंसेप्ट यूज किया जाएगा। तो उस हिसाब से आपको इस वीडियो को देखना है। हम इसमें क्या सीखेंगे, मान लो 6, 5, 4, 3 ऐसा कुछ भी नंबर मिला तो मुझे क्या करना है, भाई इंडिविजुअल डिजिट का सम चाहिए, तो मैं क्या करना सीखूंगा यहाँ पर कि इंडिविजुअल डिजिट को विजिट कैसे किया जाता है। पहले इसमें मुझे क्या एक्सेप्ट करना है, 3 को फिर किसको करना है, 4 को फिर किसको करना है, 5 को फिर किसको करना है, 6 को। देन मैं क्या करता रहूंगा, एक सम नाम के वेरिएबल में क्या करता रहूंगा, मैं सम इज इक्वल टू सम प्लस, यहाँ पे पहले 3 को सम कर दूंगा, फिर 4 को सम कर दूंगा, फिर 5 को सम कर दूंगा, फिर 6 को सम कर दूंगा। तो मुझे एक नंबर में से इंडिविजुअल डिजिट को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, फेच कैसे करते हैं, निकालते कैसे, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर देखिए, मैं सबसे पहले इसका लॉजिक लिख रहा हूँ, फिर उसको क्या करूंगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, इसमें मुझे कितने वेरिएबल चाहिएंगे, और देखो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इससे पहले आपने अगर व्हाइल लूप नहीं पढ़ा है तो प्लीज वीडियो नंबर 53, इससे जस्ट पहले वीडियो मैंने व्हाइल लूप अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जाइए और उसको देखिए। मैंने इंट एक नम नाम का वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू किससे लेंगे, यूजर से। एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल लिया और एक लिया मैंने सम नाम का वेरिएबल, उसमें क्या असाइन किया, 0, ठीक है। तो हमें 3 वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी। फिर मैंने नम की वैल्यू किससे लेंगे, हम यूजर्स बाय
यूजर। देन हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम लगाएंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है भाई, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक नम बड़ा रहेगा जीरो से, तब तक इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा मैं वो क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। इसमें स्टेटमेंट क्या लिखा मैंने कि भाई रिमाइंडर के अंदर क्या आ जाए, रिमाइंडर के अंदर आ जाए नम डिवाइड बाय नहीं मॉडुलस बाय 10। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। फिर यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि सम में क्या करेंगे भाई, मैं बोल रहा हूँ रिमाइंडर में पहले लास्ट नंबर आएगा, लाएगा इनपुट मैंने क्या लिया 5 4 3, आउटपुट में क्या चाहिए मुझे एंड्रॉइड डिजिट का सम। मैंने नम में क्या स्टोर किया 5 4 3। अब नम में कैसे स्टोर करना है, सी में स्कैनर द्वारा, पाइथन में इनपुट द्वारा, जावा में नेक्स्ट जेन द्वारा, डिपेंड करता है हर एक लैंग्वेज में इनपुट लेने का तरीका अलग अलग होता है। तो रिमाइंडर में बोल रहा हूँ कि क्या आएगा 3 आएगा पहले, और सम में क्या हो जाएगा सम प्लस रिमाइंडर। और नम के अंदर क्या असाइन करूंगा मैं, नम के अंदर असाइन करूंगा मैं नम डिवाइड बाई 10। और इस व्हाइल लूप से बाहर निकलते जब तक कंडीशन फोर्स नहीं हुई तब तक हम बार बार इन चीजों को रिपीट करते रहेंगे, और मैं रिपीट करके बताऊंगा इनके आउटपुट क्या आ रहे हैं। देन जैसे व्हाइल लूप फोर्स हम बाहर निकलेंगे और प्रिंट कर देंगे किसको, सम को। और इस सम में क्या रहेगा, इस सम के अंदर रहेगा इंडिविजुअल डिजिट का सम। सो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। सो अभी इट्स अ टाइम टू मेकिंग रील। सो हाय दोस्तों, दैट इज क्वेश्चन एंड प्लीज एग्जीक्यूट इट इन कंप्यूटर। ठीक है, सो हम करते हैं क्या, एक्सप्लेन करना। देखो सबसे पहले क्या होगा, इनपुट में मुझे क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा नम के अंदर 5 4 3। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में चाहिए यहाँ पर सम में, यहाँ पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए 5 4 9 4 3 7 और 7 5 12। ये मेरा गया, जब मैं प्रिंट सम को करूं तो एंड्रॉइड डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 12 प्रिंट होना चाहिए। तो देखो ये कैसे प्रिंट होगा, सबसे पहले ये लाइन चलेगी, नम एक वेरिएबल बनेगा, रिमाइंडर एक वेरिएबल बनेगा, और सम के अंदर क्या असाइन करूंगा मैं 0। इन दोनों के अंदर गार्बेज वैल्यू है, अभी सम के अंदर क्या है 0 है। नेक्स्ट लाइन नम में क्या आ जाएगा 5 4 3। तो दोस्तों नम की वैल्यू क्या हो चुकी है 5 4 3। नम की वैल्यू क्या हो चुकी है, मैंने यहाँ पे क्या असाइन कर दिया नम में 5 4 3। अब देखो व्हाइल लूप चलेगा, व्हाइल लूप कब तक चलता है, मैंने बोला व्हाइल लूप कैसे कर चलता है, यहाँ से व्हाइल लूप स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम व्हाइल लूप के अंदर आते हैं और हर एक स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। देन फिर से हम कहाँ जाते हैं, फिर से हम जाते हैं कहाँ, कंडीशन पे, अगेन कंडीशन चेक करते हैं, अगेन कंडीशन ट्रू है तो फिर सारी लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करते हैं, अगेन कंडीशन जाते हैं लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं हम बाहर चले जाते हैं, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम आ जाएंगे यहाँ से बाहर, और क्या प्रिंट कर देंगे, जो भी नीचे हमने डिस्प्ले किया है सम करना प्रिंट है, सम कर दो जो भी कुछ। तो अब देखो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले वैल्यू भी स्टार्ट होगा। तो नम, नम की वैल्यू क्या है अभी 5 4 3। क्या 5 4 3, क्या 5 4 3 बड़ा है जीरो से, हाँ बड़ा है, ट्रू। तो हम कहाँ आएंगे, हम यहाँ से आएंगे लूप के अंदर। ओके, पहली लाइन रिमाइंडर के अंदर क्या आएगा, देखो अब रिमाइंडर में क्या स्टोर होगा, अभी मैंने बोला रिमाइंडर के अंदर क्या रखा हुआ है गार्बेज वैल्यू, और नम में क्या रखा हुआ है, नम में रखा हुआ है 5 4 3, और सम में क्या रखा हुआ है, सम में रखा हुआ है 0। देखो सम में क्या रखा हुआ है, अभी 0 रखा हुआ है। ठीक है, रिमाइंडर में कुछ नहीं है, तो जैसे ये लाइन चलेगी रिमाइंडर में क्या आएगा, नम मॉडुलस 10, यानी नम 5 4 3 में डिवाइड किससे देना है मुझे 10 से, और मॉडुलस क्या देता है मुझे यहाँ पर, आंसर क्या देगा, ये मुझे आंसर देगा रिमाइंडर वैल्यू। तो 5 4 3 का 10 से क्या ले लो, मॉडुलस यानी क्या लो, डिवाइड दो, और ये आंसर इसका क्या आएगा कि भाई इसका जो रिमाइंडर बचेगा, क्या रिमाइंडर बचेगा 10 5 जा 50 4, ऊपर से आया 3, 10 4 जा 40, और क्या बचेगा 3। तो रिमाइंडर क्या बचा 3, और मॉडुलस क्या देता है रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर में क्या आएगा 3 आएगा, देखो मुझे लास्ट डिजिट मिल गई, एक डिजिट मैंने प्रेम में एक्सेप्ट कर ली, इसको क्या कर दूंगा सम में सम कर दूंगा। मैंने क्या लिखा, सम प्लस रिमाइंडर, सम यानी
जीरो प्लस रिमाइंडर में भी क्या रखा हमने, रिमाइंडर में क्या आया अभी, रिमाइंडर में भी आया था थ्री, तो जीरो प्लस थ्री, तो सम में क्या आसान हो जाएगा, थ्री प्लस जीरो प्लस थ्री, तो सम में क्या आसान हो जाएगा, इस बार सम में आसान हो जाएगा थ्री। अब नम में क्या होगा देखना, ये नम में क्या होगा, नम डिवाइड बाई टेन, नम में डिवाइड करना है किससे, टेन से, नम यानी क्या 543, अभी नम की वैल्यू क्या है 543, इसमें डिवाइड करना है किससे, टेन से, टेन से डिवाइड करूंगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो अगर मॉडुलस लूंगा तो आंसर 3 आएगा, अगर डिवाइड दूंगा तो आंसर क्या आएगा 54, तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम की वैल्यू हो जाएगी क्या 54। उसके बाद सारे स्टेटमेंट खत्म, हम कहाँ जाएंगे, अगेन कंडीशन चेक करने, अभी नम की वैल्यू क्या है 54 हो चुकी है, क्या 54 जीरो से बड़ा है क्या, हाँ, तो हम कहाँ आएंगे, ट्रू है कंडीशन, अंदर आएंगे। अब रिमाइंडर में क्या आएगा, देखो नम की वैल्यू क्या है इस बार 54, क्या नम की वैल्यू 54, और मॉडुलस किससे लेना है 10 से, तो अब 54 का 10 से मॉडुलस लो, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 10 5 जा 50 और बाया 4, तो इस बार रिमाइंडर में क्या बचा 4, तो ये कहां स्टोर होगा, रैम में, तो रैम की वैल्यू चेंज होगी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और देखो मुझे रिमाइंडर में दूसरी वैल्यू मिल गई। अब सम में क्या करूंगा, दूसरी वैल्यू को सम कर दूंगा, तो सम यानी सम की वैल्यू पहले क्या थी, सम के अंदर 3, ओके 3 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 4, तो 3 प्लस 4, तो सम में इस बार क्या आसान हो जाएगा 4 और 3 7, तो सम की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। अब नम में क्या आएगा, नम डिवाइड बाय 10, नम यानी क्या है 54 और डिवाइड बाय 10, तो भाई डिवाइड डिविजिबल वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 5, तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब नम की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। उसके बाद सारे स्टेटमेंट खत्म, हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे कंडीशन पे, अभी कंडीशन ट्रू है क्या, देखो नम यानी क्या 5, नम की वैल्यू क्या है इस बार 5, 5 जीरो से बड़ा है क्या, हाँ अभी अभी भी नम जीरो से बड़ा है, यानी क्या 5 जीरो से बड़ा है, यानी ट्रू, कहाँ आएंगे हम, अंदर, इस बार रिमाइंडर में क्या आएगा नम यानी क्या 5, तो इस बार नम क्या बचा हुआ है, इस बार नम बचा हुआ है क्या 5, और 5 में किससे डिवाइड देना है, किससे मॉडुलस लेना है 10 से, तो अगर 5 में मैं 10 से मॉडुलस लूंगा, तो मैंने आपको बताया है बहुत बार कि भाई 10 से 5 में मॉडुलस लेंगे तो डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यही क्या बन जाता है मेरा, यही मेरा बन जाता है क्या रिमाइंडर, यही क्या बन जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि डिवाइड कितनी बार जाएगा भाई 0 बार, जा ही नहीं रहा है, तो यही 5 क्या बन जाएगा मेरा रिमाइंडर, तो इस बार रिमाइंडर में क्या आएगा, इस बार रिमाइंडर में आएगा 5, और देखो ये लास्ट वाली संख्या आ गई। अब सम में क्या आएगा, सम में आएगा सम प्लस रिमाइंडर, सम यानी क्या 7 पहले स्टोर किया था हमने, और रिमाइंडर यानी 5, तो 7 और 5, अब सम में क्या साइन हो गया, सम में साइन हो गया 12। नम में क्या आएगा इस बार, नम डिवाइड बाय 10, यानी नम यानी क्या 5 और डिवाइड 10 से करना, कितनी बार डिवाइड जाएगा 0 बार, तो अब नम में क्या स्टोर होगा, नम में स्टोर होगा 0। सारे स्टेटमेंट खत्म, फिर मैंने क्या बोला कहाँ जाना है हमें, कंडीशन चेक करने, जब तक कंडीशन ट्रू है आप अंदर आके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कीजिए, जैसे कंडीशन फॉल्स जाते हैं आप कहाँ चले आइए, बाहर चले जाइए। तो इस बार हम यहाँ पे गए, नम की वैल्यू क्या है इस बार 0, क्या 0 0 से बड़ा होता है क्या, नहीं, फॉल्स, तो हम कहाँ जाएंगे, व्हाइल लूप से बाहर, और हम क्या प्रिंट करेंगे सम को, और सम की वैल्यू क्या है अभी 12, तो देखो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल डिजिट का सम प्रिंट हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ आप इसको ड्राई रन जैसे मैंने बिल्कुल अभी करके बताया, प्लीज इस वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, और आप किसी भी संख्या के लिए रन कीजिए इसको, मतलब अगर यहाँ पे 2 डिजिट संख्या होती 54, तो आउटपुट क्या आता मेरा, आउटपुट आता मेरा 5 और 4 9, क्या आता आउटपुट मेरा 9, क्यों, क्योंकि व्हाइल लूप कितनी बार चलता, 2 बार चलता, पहली बार रिमाइंडर में क्या आता 54 मॉडुलस 10, 54 का 10 से मॉडुलस लेना, रिमाइंडर में क्या बचेगा 4 बचेगा, क्या बचेगा 4, जैसा मैंने अभी करके बताया ऐसे रिपीट करना। फिर यहाँ पे क्या होगा सम प्लस रिमाइंडर, तो सम में सबसे पहले क्या रखा होगा 0, ये हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, 54 अगर इनपुट में आया तो सम में क्या है 0 पहली बार में, 0 प्लस रिमाइंडर यानी क्या अभी क्या मिला मुझे 4, तो 4 तो सम में आ गया क्या 4, नम में क्या आएगा नम यानी 54 डिवाइड बाय 10, तो क्या आ जाएगा नम में 5 आ जाएगा, क्या 5 बड़ा है 0 से, हाँ,
फिर यहाँ पे क्या होगा 5 modulus 10, तो 5 modulus 10 का आंसर क्या करेगा 5, और सम में पहले क्या शुरू हुआ था 4, 4 5 9, और नम में क्या आएगा 5 divided by 10, तो यहाँ पे नम में क्या आएगा 5 में 10 से डिवाइड देंगे तो 0, क्या 0 0 से बड़ा है क्या, नहीं, कहाँ जाएंगे हम बाहर, और प्रिंट क्या कर देंगे 9 को। तो ऐसे आप कोई सी भी डिजिट लीजिए, इसमें आप 4 नंबर डिजिट लीजिए, तो यही प्रोग्राम आपको क्या करेगा, ये वाइल लूप कितनी बार चलेगा, ये चलेगा 4 बार, पहली बार 7 निकालेगा रिमाइंडर में सम करेगा, फिर 6 आएगा रिमाइंडर में सम करेगा, और ये क्या करता है भाई, नम को हम क्या करते जाते हैं 10 से डिवाइड देकर इसकी एक एक संख्या को पीछे से क्या करते जाते हैं, हम हटाते जाते हैं, और ये कब तक चलता रहता है, जब तक नम 0 से बड़ा है, एंड फोल्स करके हम सम को क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि बहुत अच्छे समझ में आया, नहीं आया तो भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और अपने एफर्ट्स लगा सकूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर और वहां पर करते हैं इसको इंप्लीमेंट सी में, पाइथन में, जावा में एंड सभी लैंग्वेज में। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर एंड मैंने यहाँ पर ऑनलाइन GDP ओपन करके रखा है और यहाँ पर मैंने सी लैंग्वेज सिलेक्ट करके रखी है। यहाँ पर हम किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या था, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट ऑफ गिवन नंबर। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बना के रखा है ताकि आपको हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो हमें क्या करना था, देखो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मुझे पहले 3 वेरिएबल लेना थे, नम, रिमाइंडर, सम इज इक्वल टू 0। फिर मैंने बोला इंटर नम एंड स्कैनएफ द्वारा क्या किया, परसेंटाइल द्वारा मैंने वैल्यू ली और कहां स्टोर की, नम में। अब वैल्यू स्टोर करने के बाद फिर हमने क्या किया, मुझे नंबर का क्या करना है, एंड्रॉइड डिजिट का सम करना है। तो मैंने व्हाइल लूप लगाया जैसा आपको एक्सप्लेन किया था, नम जब तक 0 से बड़ा रहेगा तो व्हाइल लूप क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। एंड रिमाइंडर में क्या आएगा, सबसे पहले लास्ट डिजिट आएगी। अगर मैंने इनपुट में यहाँ पे क्या लिया, इनपुट में लिया मैंने 3 4 5, तो पहले रिमाइंडर में 5 आएगा, सम में 5 8 होगा, फिर रिमाइंडर में अगली बार क्या आएगा, 4 आएगा, सम में 4 8 होगा, फिर रिमाइंडर में क्या आएगा, 3 आएगा और सम में 3 8 होगा। और जैसे वैल्यू से बाहर जाएंगे, हमने प्रिंट कर दिया क्या, सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, और परसेंटाइल की इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी मैंने सम की, क्योंकि सम में क्या स्टोर हो जाएगा, मतलब इंडिविजुअल डिजिट का सम। इसको रन करके बता देता हूं मैं, और जैसे इसको रन करेंगे हम, तो आप कोई सा भी नंबर इनपुट में दीजिए, लाइक हमने दिया 2 3 4, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, इंडिविजुअल डिजिट का सम 4 3 7 और 8 9। अगर आपने इनपुट में दिया 2 डिजिट नंबर, यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है, तो भी आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 4 3 7, ठीक है। अगर आपने इनपुट में दिया 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4, कुछ भी नंबर दे सकते हो आप, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 4 3 7 8 9 और 1 10। तो दोस्तों ये सी में एंड इसका आपको लिंक मिल जाएगी नीचे वीडियो में, आप जाके देखिए, तो वहां से आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, रन करके देख सकते हो। और अब हम चलते हैं कहाँ, पाइथन में, और मैंने पाइथन में भी बना के रखा है। सो अब पाइथन में बना के रखा है, तो यहाँ पर आता हूँ मैं, पाइथन को ओपन करके बताता हूँ भाई, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, वही कंसेप्ट रहेगा। पाइथन में वैल्यू मैंने कैसे ली, नम में वैल्यू स्टोर की, किसका यूज करके, इंट इनपुट फंक्शन का यूज करके। सम वन में क्या रखा, 0 रखा, मैंने वहां पर फंक्शन का नाम सम लिया था, वेरिएबल का नाम, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या लिया, सम वन ले लिया। फिर मैं व्हाइल लूप, नम जब तक 0 से बड़ा है तब तक रिमाइंडर में क्या आएगा, अगर आपने इसमें नंबर लिया है क्या, यहाँ पर कमेंट हिजवाल जाता है, हमने दिया 4 5 6, तो पहले सम रिमाइंडर में क्या आएगा, 6 आएगा, सम वन में सम हो जाएगा, फिर रिमाइंडर में 5 आएगा, दूसरी बार व्हाइल लूप चलेगा, सम वन में क्या आ जाएगा, क्या सम हो जाएगा, 5 सम हो जाएगा, फिर रिमाइंडर में क्या आएगा, अगली बार व्हाइल लूप चलेगा तो 4 आएगा, और सम वन में क्या प्लस हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा। और जैसे हम व्हाइल लूप से कहां जाएंगे, बाहर जाएंगे, हम प्रिंट कर देंगे सम और इंडिविजुअल डिजिट, और किसकी वैल्यू, सम वन की वैल्यू। तो ये था हमारा पाइथन में, लॉजिक वही है सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। 3 4 5, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 5 4 9 और 3 12। अगेन रन करता हूं मैं लिखा यहां पर कुछ भी 34, तो आउटपुट क्या आएगा, 4 3 7। ये भी आपको मिल जाएगा, इसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए, इसको देखिए, डाउनलोड कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना हो। और हमने जावा में भी बना के रखा है, सो हम जाते हैं जावा के अंदर, और यहाँ पर मैंने जावा में बना के रखा है, तो जावा में भी सेम कोड है, आप जाके चेकआउट कीजिए। वही स्टेप से पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, नम रिमाइंडर सम इज इक्वल टू 0, और व्हाइल लूप कब तक, यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं यहाँ पर जावा में, इसके अंदर क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं SC, और SC ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, मेथड कॉल करते हैं नेक्स्ट इंट, जिससे नम में मुझे क्या मिल जाएगी, यूजर से वैल्यू। फिर जब तक नम 0 से बड़ा है जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, तब तक रिमाइंडर में
एक एक वैल्यू आती रहेगी, सम में उस वैल्यू को सम करते रहेंगे, एंड नम को क्या करते रहेंगे हम, नम डिवाइड बाई 10 करके नंबर को छोटा करते रहेंगे। जैसे नम 0 का हम बाहर जाएंगे, और तब तक सम में हर एक नंबर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। फिर हम प्रिंट कर देंगे सम और उनका डिजिट इक्वल टू सम की वैल्यू। तो इसको मैं रन करके बता देता हूँ जावा में भी, और मैंने जावा में इसको रन किया, देन 1 2 3, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 3 2 5 और 1 6। और अगर 2 डिजिट नंबर लो आप, 5 डिजिट नंबर लो, 7 डिजिट नंबर लो, कुछ भी लो, स्टॉप करके अगेन रन करता हूँ मैं, आप कोई सी वैल्यू लो आपका आउटपुट प्रॉपर आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पर ठीक अगेन रन कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने ले लिया क्या 56, और आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 6 और 5 11। सो प्लीज दोस्तों, वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।